तो सो हिंदी ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ राजदीप और यह है प्रैक्टिकल वेब डिज़ाइन इन फोटोशॉप का थर्ड पार्ट। तो अगर आपने इसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो देखिए और फिर इस पे आइए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये लेआउट मैं पहले से बना चुका हूँ। इस लेआउट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसको अनज़ूम करूँ तो हमने हेडर बना दिया था और इसका नेविगेशन भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको और हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ही एक ग्रुप बना लूँगा और अब जो भी मैं काम करूँगा इसको टॉप पर रख लेता हूँ मैं सबसे ड्रैग करके, और जो भी अब मैं काम करूंगा वो ग्रुप के अंदर ही करूंगा। और व्हाट वी ऑफर करके यहाँ पर मैं, मुझे एक टेक्स्ट चाहिए तो मैं टेक्स्ट लूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा ओके ऑल राइट, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जो है बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा चाहिए इस तरीके से, और छोटा टेक्स्ट मुझे चाहिए इसको रेगुलर से मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, व्हाट वी ऑफर, और ये टेक्स्ट को मुझे और बिल्कुल छोटा कर दें। इतना मेरे हिसाब से सही रहेगा। इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ मैं, यहाँ से सेंटर लाइन कर दिया। और ऑफर का जो कलर है वो हमें चाहिए कुछ डिफरेंट, तो ये कलर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करता हूँ लाइन्स, और यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से रेड लाइन ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि ये जो शेप है इसकी प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसको ऑटो सेलेक्ट को हटाकर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फील की जगह मैं इसको दे दूंगा थोड़ा सा ग्रेश, ग्रेश टाइप कलर, लाइट ग्रेश, हाँ अच्छा लगना चाहिए, ओके अच्छा लग रहा है, मच बेटर। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको नीचे यहाँ पर ले आऊँगा इस तरीके से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं और थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ओके लुकिंग गुड ऑल राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एक ग्रुप बना लेता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ और इसका एक और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको मूव करके इस साइड यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो लगभग हमारा ये जो है, थोड़ा सा मुझे इसका ग्रुप जो है इसको इधर रखना होगा, टेक्स्ट जो है हमारा उसको ऑटो सेलेक्ट करके मुझे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना होगा, और वापस ऑटो सेलेक्ट हटा के ग्रुप टू कॉपी जो है इसको इधर सेट करना होगा, ठीक है। माइनस करता हूँ मैं, तो इट्स लुकिंग प्रिटी फाइन। अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑटो सेलेक्ट को हटाना होगा मुझे और ग्रुप टू को इधर सिलेक्ट करके इधर थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा, व्हाट वी ऑफर को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना होगा, देन आई थिंक कि ग्रुप टू कॉपी, ओके नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। और अब मैं इसको जूम करता हूँ और मुझे यहाँ पर और टेक्स्ट लेना है, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पर लूँगा वी ऑफर, टेक्स्ट मुझे करना है छोटा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, तो मैं इसको ले लेता हूँ 24 पिक्सल, वी ऑफर लिस्ट आर आर डबल डबल है, ठीक है ओके लुकिंग मच बेटर। और अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ब्लैक की जगह इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा मुझे ग्रेश टाइप का कलर चाहिए और थोड़ा सा लाइट, ओके लुकिंग मच बेटर। और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन जो है उसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और वो नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा कि यहाँ पर एक एक मैं ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप के अंदर, ग्रुप वन के अंदर एक ग्रुप बनाऊँगा, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, ग्रुप टू जो है इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। ग्रुप थ्री थ्री मैंने यहाँ पर बना दिया, और ग्रुप थ्री में जाके मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले बनाऊँगा एक सर्कल, सर्कल एलिप्स बनाऊँगा, एलिप्स मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। इसका कलर मैं दे दूँगा फिल डार्क ग्रे, ओके लुकिंग बेटर। फिर जाऊँगा मैं टेक्स्ट पर,
और यहाँ पर गूगल पर जाकर, गूगल चीट शीट पर जाकर नेटवर्क यहाँ पर सर्च किया मैंने, नेटवर्क, नेटवर्क, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अभी आइकन जो है उसको मुझे चेंज करना होगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, फॉन्ट ऑसम रेगुलर सॉलिड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसका जो कलर है उसको कर देंगे हम यहाँ पर वाइट, ठीक है, और वाइट में ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर इसको जूम, ठीक है, इतना जूम हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। और लेयर्स में जाता हूँ मैं, और ये सारा हमारा ग्रुप 3 के अंदर यहाँ पर काम चल रहा है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना होगा, ओके। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट हम कैसे डालेंगे, टेक्स्ट डालना मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट डालने के लिए मुझे यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ लिखना होगा रेस्पॉन्सिव एंड मल्टीपर्पस, कलर जो है हमने वाइट कर दिया, इस रीज़न से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा डार्क कलर हमें चाहिए, ओके, लुकिंग मच बेटर। और यहाँ पर इसको यूज़ करके मैं सभी को कैपिटल में कर दूँगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं, सभी को कैपिटल में कर देते हैं, मच बेटर, ओके ओके ओके। रिस्पॉन्सिव एंड मल्टीपर्पस, इसको यहाँ मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको मैं लाटो बोल्ड दे देता हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्सिव एंड मल्टीपर्पस, इसको यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। और नीचे मुझे और एक और टेक्स्ट देना है, यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट दे देता हूँ मैं, लॉरम इप्सम, इस तरीके से इसको मैंने सिलेक्ट किया, सभी को कैपिटल नहीं रखना है, इसको हमको स्मॉल रखना है और इसको हमें सेंटर लाइन करना है। सेंटर लाइन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा ताकि इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, ये इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कंट्रोल टी, सॉरी, इसको कंट्रोल टी करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट कलर देना है, ज़्यादा लाइट कलर हो गया, दैट इज़ फाइन, इट्स लुकिंग गुड। एक एक्स्ट्रा लॉरम इप्सम मेरे पास आ गया है, ठीक है, सॉरी, ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक करना है, इसको जाकर डिलीट करना है, ठीक है। इतना मेरे पास होने के बाद अब मुझे यहाँ पर बटन बनाना है। तो गैस ये वीडियो लंबी हो चुकी है, आगे का जो काम है वो हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।